हे गाइस, वेलकम बैक और एक नए वीडियो में। दोस्तों, कलर ओएस 13 या फिर ऑक्सीजन ओएस 13 या फिर रियलमी वाई 5.0 या फिर 4.0, जो भी इंडिया में आने वाला है उसका जो फिंगरप्रिंट एनिमेशन है वो मेरे पास अवेलेबल हो चुका है। और आपको पता ही होगा, कलर ओएस 13 के साथ बहुत सारे नया नया फिंगरप्रिंट एनिमेशन आपको देखने को मिलेगा जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला ओप्पो रियलमी वन प्लस डिवाइस में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में उन सभी फिंगरप्रिंट एनिमेशन को आपके लिए लेके आए हो। आपका डिवाइस में उन सभी फिंगरप्रिंट एनिमेशन को आप यूज कर सकते हो अगर आपके पास कलर ओएस 12 या फिर ऑक्सीजन ओएस 12 या फिर रियलमी वाई 3.0 इंस्टॉल कोई डिवाइस है। सभी में एक काम करता है, मैंने खुद उसको ट्राई करके देखा, तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत सारे यूजर का डिमांड था। तो गाइस, चलते हैं आज की वीडियो के तरफ। दोस्तों, फिलहाल देखिए, मेरे पास Realme UI 3.0 इंस्टॉल एक डिवाइस है। अगर आपके पास Realme UI 2.0 या फिर ColorOS 11 या फिर Oxygen OS 12 जो भी है, सभी में ये काम कर रहा है, मैंने खुद इसको टेस्ट करके देखा। तो इसके लिए आपको एक zip फाइल को डाउनलोड करना होगा जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सिंपली आप पहले वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहां पे आपको कुछ इसी तरह एक zip फाइल का लिंक मिल जाएगा। आप नीचे में देखिए ColorOS 13 फिंगरप्रिंट एनिमेशन, तो आपको कुछ इसी तरह एक zip फाइल का लिंक मिल जाएगा। आप सबसे पहले इस zip फाइल को डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, एक जिप फाइल है। तो सिंपली आप डाउनलोड करने के बाद उसके ऊपर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद देखिए, उसके अंदर कुछ 7 फिंगरप्रिंट एनिमेशन मिल जाएगा। नीचे में देखिए, आपको एक्सट्रैक्ट ऑल का ऑप्शन मिल जाएगा। जस्ट आपको एक्सट्रैक्ट ऑल ऑप्शन में क्लिक करना और ऊपर में देखिए, बिल्कुल ऊपर में और एक आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, एक्सट्रैक्ट टू फोन स्टोरेज। आपको जस्ट एक्सट्रैक्ट टू फोन स्टोरेज ऑप्शन में क्लिक करना। यहाँ पे देखिए, एक्सट्रैक्ट सक्सेसफुली हो चुका है। आपको जस्ट बैक आना है। बैक आने के बाद यहाँ पे जो नाम था ColorOS 13 फिंगरप्रिंट, उसी नाम से एक न्यू फोल्डर यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। आप यहाँ पे देख लीजिए, उसी नाम से एक न्यू फोल्डर यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, ColorOS 13 फिंगरप्रिंट। तो जस्ट आपको इसका अंदर जाना होगा और आपने जो डाउनलोड किया सब यहाँ पे आपको मिल जाएगा। दोस्तों, फिर आपको एक एक करके इन सभी फिंगरप्रिंट एनिमेशन को आपका डिवाइस में इंस्टॉल कर लेना है। तो गाइस, फिलहाल देखिए, मैं एक एक करके इन सभी फिंगरप्रिंट एनिमेशन को इंस्टॉल कर लेता हूँ। आप भी एक्सट्रैक्ट करने के बाद इन सभी फिंगरप्रिंट एनिमेशन को एक एक करके इंस्टॉल कर लेना। तो फिलहाल देखिए, एक एक करके सभी यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। तो गाइस, यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, सब कुछ मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर लेता हूँ फटाफट। दोस्तों, सातों के सातों जो फिंगरप्रिंट एनिमेशन है मेरा डिवाइस में मैं इंस्टॉल किया। फिर यहाँ पे चलते हैं सेटिंग, फिर यहाँ पे चलते हैं पर्सनलाइजेशन, फिर यहाँ पे चलते हैं फिंगरप्रिंट एनिमेशन। तो फ्रेंड देखिए, मैं जितने सारे फिंगरप्रिंट एनिमेशन को यहाँ पे इंस्टॉल किया, सब कुछ यहाँ पे आ चुका है। आप यहाँ पे देख लीजिए। दोस्तों, अगर आप इंस्टॉल करने के बाद भी आपका डिवाइस में फिंगरप्रिंट एनिमेशन पर्सनलाइजेशन सेक्शन में नहीं आता है, तो सिंपली आप एक बार आपका डिवाइस को रिस्टार्ट कर लेना। तो रिस्टार्ट करना मस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे डिवाइस में इंस्टॉल करने के बाद नहीं आता है, लेकिन आप एक बार आपका डिवाइस को रिस्टार्ट कर लेना। आपका डिवाइस जो फिंगरप्रिंट एनिमेशन आप इंस्टॉल किया, सब यहाँ पे पर्सनलाइजेशन सेक्शन में फिंगरप्रिंट एनिमेशन में आ जाएगा। तो सिंपली देखिए, मैं भी मेरा डिवाइस को एक बार रिस्टार्ट कर लेता हूँ। अगर आपका डिवाइस में आ भी जाता है तो आप फिर भी एक बार आप रिस्टार्ट कर लेना आपका डिवाइस में। अगर कुछ भी नहीं आएगा तो वो सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। तो थोड़ा सा एक बार वेट कर लेते हैं डिवाइस बूट होने तक। तो दोस्तों, फिलहाल देखिए, यहाँ पे डिवाइस यहाँ पे मेरा बूट हो चुका है। मैं यहाँ पे पेटम डाल दिया और यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग हो रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो आ चुका है टाइम एंड डेट। फिर यहाँ पे चलते हैं सेटिंग, पर्सनलाइजेशन सेक्शन, फिर यहाँ पे चलते हैं नीचे में, देखिए आपको फिंगरप्रिंट एनिमेशन। फिंगरप्रिंट एनिमेशन देखिए गाइस, बहुत सारे फिंगरप्रिंट नया नया आ चुका है जो आपको ColorOS 13, ऑक्सीजन ओएस 13 और Realme UI 5.0 या फिर 4.0 जो भी आने वाला है इंडिया में उसके साथ आपको देखने को मिलेगा Android 13 के साथ। तो गाइस, आप आता है टेस्टिंग। तो ये वाला जो फिंगरप्रिंट एनिमेशन है ये आपको नया देखने को मिलेगा, ये वाला फिंगरप्रिंट एनिमेशन आपको नया देखने को मिलेगा, ये वाला फिंगरप्रिंट एनिमेशन आपको नया देखने को मिलेगा, ये वाला नया है। तो सिंपली मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, इस वाला। तो सिलेक्ट करने के बाद गाइस, आप आता है टेस्टिंग। तो फिलहाल यहाँ पे देखिए, जो फिंगरप्रिंट एनिमेशन है, देखिए गाइस, आपको एक नया फिंगरप्रिंट एनिमेशन मिल रहा है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे जूम कर रहा हूँ, देखिए गाइस, बहुत ही मस्त लग रहा है। मैं और एक यहाँ पे टेस्ट कर लेता हूँ। मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट किया, फिर आता है गाइस टेस्टिंग। आप थोड़ा अच्छे तरह से देखना, बहुत ही फास्ट फैशन लो। देखिए गाइस, फिंगरप्रिंट आपको नया एनिमेशन देखने को मिल रहा है ना गाइस, कमाल की एनिमेशन आ रहा है।
मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। तो गाइस अगर आपका भी फिंगरप्रिंट एनिमेशन पसंद आता है तो गाइस आप जाओ वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। मैं जितने सारे आपको प्रोसेस बोला आप उसको फॉलो करना, आपका भी डिवाइस में कलरओएस 13 का फिंगरप्रिंट एनिमेशन इंस्टॉल हो जाएगा और आप उसको बहुत आसानी से इस्तेमाल भी कर सकते हो। तो गाइस आज का वीडियो इतना ही था, अगर वीडियो आपको पसंद आता है वीडियो को लाइक कर देना, अगर वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिल जाए तो आप चैनल को मस्ट भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल में जरूर प्रेस कर देना। तो यार मिलते हैं और अपने इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक टाटा गुड बाय, जय हिंद।